हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस, आवर चैप्टर सेकंड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इन द लास्ट लेक्चर स्टार्ट आवर चैप्टर एंड डन इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। एक्टिविटी भी थी, मैंने सॉल्यूशन भी डाला है उसके लिए, फिर भी आपको एक बार एक्टिविटी अंडरस्टैंड करवाता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं, एक्टिविटी में पिक्चर दी हुई है, जो पिक्चर हर्ट करे चिल्ड्रन को वहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। मतलब कि जहाँ पर आप सोच रहे हैं आपको हर्ट हो सकता है, जैसे फर्स्ट पिक्चर है, देखो बच्चा क्या कर रहा है, हाथ बाहर निकाल रहा है, फेस भी बाहर है इसका, तो इसमें आपके चोट लग सकती है, तो इसको मैंने क्रॉस मार्क करा है। ठीक है, ये देखिए सीजर से प्ले कर रहा है, नाइफ है हाथ में, हैमर है, तो इससे भी इसको समवन गेट्स हर्ट योर सेल्फ और ई दिस किड हर्ट योर सेल्फ, तो अपने आप को चोट लगा सकता है, तो इसके लिए क्रॉस मार्क करा है। थर्ड पिक्चर में मैंने कोई मार्क नहीं करा, राइट मार्क करना चाहिए यहाँ पे, मेंशन नहीं ऊपर, लेकिन जहाँ पर हर्ट हो वहीं पे क्रॉस मार्क करना है। देखो यहाँ पे ये हर्ट नहीं होगा, बिकॉज दिस किड क्रॉसिंग द रोड थ्रू जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग से ये रोड क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये रूल फॉलो कर रहा है रोड सेफ्टी का। इसलिए फोर्थ पिक्चर में देखो यहाँ पर बच्चा ऊपर चढ़ा हुआ है, किस पर, टेबल के ऊपर, यहाँ से गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो यहाँ पर क्रॉस मार्क करा है। ठीक है, तो एक्टिविटी थी, मैंने सॉल्यूशन में भी भेजा आपको, उसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे। टुडे वी डिस्कस अवर सेफ्टी रूल्स एट होम या सेफ्टी एट होम, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है हमें होम पे फॉलो करना चाहिए होम के। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेफ्टी एट होम। सेफ्टी का मीन्स होता है सुरक्षा। ठीक है, एट प्लेस के लिए आता है, जगह के लिए एट का यूज करते हैं। ठीक है, डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव्स, कि मतलब जो भी फायर है या कोई भी गैस स्टोव्स हैं उसके पास में हमें नहीं खेलना चाहिए, घर पर कहीं पर भी। प्ले का मीन्स होता है खेलना, तो सबको पता है प्ले वर्ब है, ये इसका मीनिंग होता है खेलना। विथ का मीन्स साथ के लिए यूज होता है, किसके साथ नहीं खेलना चाहिए, फायर के साथ, फायर बोलते हैं आग को। ठीक है, अब नियर का मीन्स होता है पास में, किसके पास में, गैस स्टोव, घर पे खाना बनाते हैं स्टोव पे, गैस का स्टोव होता है इसलिए उसे गैस स्टोव कहते हैं। देखो पहले स्टोव और भी अलग अलग आते थे, कैरोसिन डालते थे उसके अंदर, वो वाले पंप वाले टाइप के, अभी कैसे आ रहे हैं गैस के स्टोव आ रहे हैं, इसलिए उसको गैस स्टोव बोलते हैं। नियर गैस स्टोव के पास में, मान लो कुछ चीज बन रही हो, आग भी लगी हो, तो फायर हो गया, गैस स्टोव हो गया, सेम है फायर हो गया। ठीक है, उनके पास नहीं खेलना चाहिए, क्यों, बिकॉज यू मे गेट बर्न, क्या हो जाओगे आप, जल जाओगे, बर्न यानी जलना होता है, ये फॉर्म है उसकी, इनका फॉर्म है, तो मीनिंग होता है बर्न, क्या मतलब आप जल जाओगे, इसके पास में खेलोगे तो आप क्या हो जाओगे, जल जाओगे। तो फर्स्ट एब्स्टिट्यूट हुआ, क्या हुआ, डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव। ओके, सेकेंड रूल, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, जो आपके प्लेयर वापस विथ किसके शार्प ऑब्जेक्ट के शार्प, शार्प का भी होता बहुत तीखे, तेज धार वाले होते हैं स्टूडेंट, घर पर जैसे नाइफ्स हैं बहुत तीखे होते हैं, ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको, लाइक नाइफ्स, चाकू से, ब्लेड सेविंग करते हैं तो ब्लेड साथ ही यूज करते हैं, आप सैलून में जाते हैं बाल काटते हैं, रेजर लगाते हैं आपके, तो ब्लेड होते हैं उसके, तो उससे घर पर भी यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स ब्लेड्स होते हैं, सीजर्स करते हैं कि कैसे करते हैं सीजर्स, तो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे हमें प्ले नहीं करना चाहिए, यू मे हर्ट योर सेल्फ, आपके चोट लग सकती है, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, योर सेल्फ का मीन्स होता है खुद के लिए, यू मे गेट मतलब तुम अपने आप को चोट पहुंचा सकते हो, अपने आप ही चोट पहुंचा सकते हो, दूसरा तो नहीं, खुद ही लगा सकते हो, कोई दो तीन बच्चे साथ में खेल रहे, फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शार्प ऑब्जेक्ट, तो और ज़्यादा उनको इंजरी हो सकती है। तो दो रूल थे, डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस स्टोव्स एंड डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स ब्लेड्स एंड सीजर्स। थर्ड रूल, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, टच का मीन्स होता है छूना, टच कौन से, किसको नहीं टच करना चाहिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बिजली के जो तार होते हैं, स्विचेस घर पर स्विच होते हैं लाइट ऑन करने के ऑफ करने के, स्विचेस एंड प्लग्स, प्लग बोलते हैं जहाँ स्विच ऑन करते हैं उसके पास में प्लग लगे रहते हैं, जहाँ पर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपन को स्टार्ट करना रहता है वो उसमें प्लग इन करते हैं, जैसे आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना हो, आयरन करने के लिए,
मिक्सर है, कुछ भी चीज़ें, तो प्लग्स होते हैं। उन तीनों चीज़ों को इलेक्ट्रिक वायर्स को, प्लग्स को, स्विचेस को विथ वेट हैंड, कैसे हाथ होने चाहिए, वेट, गीले, वेट का मीन्स होता है गीला और इसका अपोजिट होता है ड्राई। तो वेट हैंड होता है, अपने गीले हाथों से इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू माइट गेट, आप क्या पाएंगे, एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको झटका लग सकता है, बिजली का शॉक लग सकता है, एक क्या है, जब आप इनको अपने गीले हाथों से टच करेंगे। फोर्थ रूल, डू नॉट लीव योर टॉयज, लीव का मीन्स होता है छोड़ना। एक लीव आपको छुट्टी चाहिए तो स्कूल से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये हुई है लीव एप्लीकेशन, वही से यहाँ पर लीव का मीन्स छोड़ना भी होता है। तो डू नॉट लीव योर टॉयज, टॉयज का मीन्स खिलौने अपने, एंड बुक्स जो आप पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक्स हो सकती है, स्कूल की बुक्स है, जो भी है कोर्सेज की, इनको आप छोड़ना नहीं चाहिए। किस पर, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, बिकॉज समवन माइट, कोई और, समवन का मतलब कोई और पर्सन, माइट ट्रिप, ट्रिप का मतलब फिसल सकता है, ओवर देम, टक्कर लग सकती है उसको, ठोकर लग सकती है या स्लिप हो सकता है, उनके ऊपर पाँव आए तो, कोई मान लो गाड़ी का जैसे टॉय है, कार का टॉय है, उसके पाँव रहता तो स्लिप हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है। डू नॉट रन इन द हाउस, रन का मीन्स होता है दौड़ना, किसके अंदर, हाउस, घर के अंदर दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन इन द हाउस, यू मे स्लिप, आप फिसल सकते हैं, स्लिप का मीन्स फिसलना, बम्प इनटू द फर्नीचर, या फिर बम्प हो जाओगे सीधे फर्नीचर में जाके गिर जाओगे, टेबल में, फर्नीचर में, किसी भी घर के अंदर जो भी आपके किसी भी टाइप का सामान है उसके अंदर आप जाके गिर सकते हैं। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम, केयरफुल का मीन्स होता है सावधानी, वॉकिंग का मीन्स चलना, किसके अंदर चलना में, वेट बाथरूम, कैसा, गीला बाथरूम, जैसे मान लो कोई नहा के आया है, शॉवर लेके आया है तो पीछे पानी गिरा हुआ रहता है, किसी ने वाइप आउट नहीं करा और आप गलती से अंदर गए तो आप स्लिप हो सकते हैं, किस पर, फ्लोर पर गिर सकते हो, कौन से फ्लोर पर, वेट बाथरूम फ्लोर पर। सो दीज आर सम बेसिक सेफ्टी रूल्स विच शुड बी फॉलोड एट होम, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट एनी थ्री सेफ्टी रूल्स विच शुड बी फॉलोड एट होम, आप ये कोई भी थ्री रूल्स लिख सकते हैं, लेकिन पीछे वाली लाइन नहीं लिखनी आपको, बस आगे रेफरेंस, जैसे डू नॉट प्ले विथ फायर और नियर गैस सिस्टम, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर, डू नॉट रन इन द हाउस, ये ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। होप यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड द वीडियो, प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट इन द स्कूल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।